अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज है कॉलेज का लास्ट डे, आई थिंक अगर आज कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट तो कॉलेज का लास्ट डे होगा आज। अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ 10 बजने में 15 मिनट बाकी है और मुझे दूर भी जाना है क्योंकि कॉलेज मेरा घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। चलें जल्दी से। आज ये पोस्टर डिज़ाइन किया है, ये पूरा पोस्टर है, ये मेरे ही नाम पे सब चीज़ मेरा अपना डला हुआ है। ये पोस्टर एक बनाया था और दूसरी चीज़ थी बंटिंग्स। खुल जा जल्दी सिम। ये है बंटिंग्स जिसमें न्यू कार ऑफर 30% डिस्काउंट। अब ये जैसे ही इसका मैं जब पूरा प्रिंट निकलवाऊंगा तो आप लोगों को इसकी पूरी फाइल दिखा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह से आज सब चीज़ फाइनल डन हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ घर और इसका प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद निकालूंगा, थोड़ा रेस्ट वगैरह करूँ। फाइनली आज कॉलेज से जान छूटी गई, सुबह उठने का सिस्टम आज से ख़त्म हो गया। तो आज प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो टीचर ने कहा कि ये प्रिंट निकलवा के तुम कब लेकर आ रहे हो, ना कल ही आओगे। मैं हंसने लग गया, टीचर ने बोला हंस रहे क्यों। मैंने बोला टीचर अभी आज तो प्रोजेक्ट बनाया और आप बोलिए कल लेकर आ जाओ, अभी तो एग्ज़ाम का कोई डेट आया ही नहीं है क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर मार्कशीट आया नहीं है। जब तक मार्कशीट नहीं जमा करवाऊँगा तो तब तक पेपर नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने कहा कि टीचर एक हफ्ते बाद। टीचर ने बोला क्यों। मैंने कहा कि टीचर अभी ख़त्म हुआ प्रोजेक्ट, आराम वगैरह करूँगा कॉलेज से, अभी छुटकारा मिला थोड़ा सा आराम करूँगा। तो टीचर हंसने लग गई, बोली तुम जैसा सुस बंदा ना मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने बोला टीचर आपको ही तो नहीं पता मैं कितना काम करता हूँ। बस टीचर को ये सब कहा, फिर मैं अभी आ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ नाश्ता करने क्योंकि सुबह नाश्ता करके नहीं गया था। वो नाश्ता नहीं मेरा खाना ही है क्योंकि 2 बज रहा है और 2 बजे तो खाना ही खाते हैं सब। अब मैं जा रहा हूँ खा पी के, फिर मुझे जाना शॉप है क्योंकि शॉप का टाइम हो चुका है। आज नाश्ते में है शामी कबाब, साथ सैलेड है और चटनी है, केचप है। आज अभी मामा ने ये बनाया तो मैंने कहा नहीं मैं रोटी वगैरह नहीं खाऊंगा, आप सिर्फ मुझे यही दे दें, मेरे लिए यही बहुत है। अब ये चेक करते हैं ये बना कैसे। गर्म हुआ, मज़ेदार बना। चलो खाने के बाद मिलता है। नाश्ता कर चुका हूँ, अब जा रहा हूँ शॉप, लेकिन उससे पहले जाऊँगा तोते लोगों का खाना लेने क्योंकि इन लोगों का खाना ख़त्म हो गया। खाना ला के दूँगा पापा को, वो घर लेकर आएंगे, तोतों को खाना दे देंगे क्योंकि इन लोगों के पापा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने देखा था इन लोगों के पास खाना नहीं है। पापा ने तोतों लोगों को खाना नहीं दिया तो इस वजह से मुझे ही आना पड़ा ऊपर खाना देने के लिए इन लोगों को, क्योंकि मैं खाना लेकर आया था, पापा को दिया, पापा को कहा था कि आप घर जाएँ और इन लोगों को दे दें, लेकिन पापा ला के ऐसे ही रख दिया था, पापा ने इन लोगों को खाना नहीं दिया था। अरे दे तो दिया ये, पर मैं पागल बन गया, ये ऐसे पैक पड़ा हुआ था, मैं समझा मैंने ऐसे पैक रखा है तभी ये ऐसी पैक ही पड़ा हुआ है, लेकिन पापा ने इन लोगों को खाना दे दिया था, पता ही नहीं था मुझे। ख्वारी हो गई ऊपर आके, जा रहा हूँ आपसे नीचे, थोड़ा सा काम है, इसको अब नीचे ही रख दे तुम जाके। और घूमने जाने का प्लान बन रहा है मेरा और काफ़ी अच्छा अच्छा व्लॉग आप लोगों को मिलने वाला है। अभी सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, इंस्टा पे स्टोरी लगाया था तो आप लोगों ने आई थिंक नहीं देखा, तो अगर नहीं देखा है आप लोगों ने इंस्टा स्टोरी तो जल्दी से जाके देख लें। नहीं ना, ये तो व्लॉग कल अपलोड होगा और इंस्टा स्टोरी हट चुका होगा। स्टोरी में ये लगाया था कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ या लाहौर, ठीक है, तो ज़्यादा वोट आया इस्लामाबाद का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं और व्लॉग भी दिखाना है आप लोगों को अच्छा अच्छा। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग मिलने वाली है। अब मैं जा रहा हूं थोड़ा सा आराम करने क्योंकि सुबह जल्दी उठा था और कल से तो फिर भाई अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी लेट उठना।
चले अपने रूम, मेरा रूम कहाँ है जल्दी से ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मेरा रूम मिल गया। और जल्दी से ऑन करो फैन, फैन ऑन करो। और ये सोफा है क्योंकि दिन में मैं जब सोता हूँ तो अपने सोफे पर सोता हूँ। अब मेरे का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही सो रहा था वैसे ही नदीम भाई थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा तोता सही करूँ, उस दिन सही नहीं हुआ था। मैंने बोला अच्छा चलें ठीक है आप आ जाएं ऊपर, तो अभी आया उनके साथ ऊपर तोते वगैरह सही करने के लिए। काफ़ी दिन से ये सेट ही हो रहे लेकिन हो नहीं पा रहे। ये लोग फाइनली सेट हो चुका है, चार इधर रख दिया है और पांच इधर पड़े हुए। सेट वगैरह कर चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपने हाथ से सैंडविच बनाने। सैंडविच खाने का काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा है, इन सबको तो सेट कर ही दिया है। कबाब का टिकिया बना चुका हूँ, बस मुझसे जैसा बना मैंने वैसे ही बना दिया, जैसा बना वैसे ही बन गया बस, क्योंकि सैंडविच खाने का दिल कर रहा है। अब इतना तो आता नहीं ना लेडीज पे, नहीं जो हर काम एक्यूरेट करूँ, बस बन गया। और अब इधर मैं तावा चढ़ा चुका हूँ, ऑयल गर्म हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से एक उठाते हैं, बिस्मिल्लाह। तो हाथ में लग जाओ शर्ट की शर्ट, ओहो अब ये पहले हो जाए जल्दी से फ्राई। और लाइट भी जा चुकी है, तभी किचन अंधेरा अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं है, पता नहीं लाइट अचानक से चली गई। ये फ्राई हो चुका है और बहुत क्रिस्पी फ्राई किया है मैंने। अब इसमें ब्रेड भी फ्राई कर लेता हूँ। ओह जो पूरा तेल लग गया इसमें, पता नहीं था, लग गया बस लग गया। सब चीज रेडी कर चुका हूँ और गर्मी लग गई है, काफी ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। और इधर सब चीज रेडी हो चुका है, अब कबाब ये रहा, प्याज और टमाटो, और ये है अपना ब्रेड, और ये पड़ा हुआ है केचप। अब जल्दी से इसको करते हैं हम लोग मिक्स, मिक्स करके इसमें फ्राई करते हैं, फिर चेक करूँगा कि कैसा बना मेरे हाथ का। वैसे हाथ में जायका है मेरे, मैं जो भी बनाता हूँ काफ़ी अच्छा बनता है। किचन से मैं रूम में आ गया था क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब इसमें मिलाते हैं सबसे पहले चटनी, आज देखते हैं कि मेरे हाथ का बना कैसे, घर वालों को कैसे पसंद आता है, सबसे रिव्यू भी लेंगे कि अच्छा बना या नहीं बना। और केचप ये रहा, अब सारे कमेंट्स में ये बोलने मत लग जाना कि लेडीज वाला काम स्टार्ट कर दिया। हड्डी कर रहा था अपने हाथ से कुछ बनाने का, तो सैंडविच ही था, मैंने बोला चलो सैंडविच बना लेता हूँ। अब इसमें है प्याज, ये है टमाटर, और ये है कबाब हाफ हाफ। अब इसको रख दिया ऐसे, तैयार हो चुका है एक, तैयार हो चुका है पूरा। अब इसको चेक करता हूँ खा के कि कैसा बना है। मजेदार, काफी अच्छा बना। अब मैं खा के फारिग होता हूँ, फिर जाना है फ्रेश होना। खा पी के फारिग हो चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, लाइट ऑफ करता हूँ। ओह आज तो लाइट ही नहीं है, लाइट आज इतनी देर तक चली गई, मैं नहा कर आया तब भी लाइट नहीं आई थी, इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। लाइट आई है दो घंटे बाद, तो मैं अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया क्योंकि लाइट थी नहीं। अगर लाइट नहीं थी तो व्लॉग बनता नहीं, क्योंकि मोबाइल का जो फ्लश था वो कितना अंधेरा तो पीछे होता है, इस वजह से लाइट नहीं थी तो व्लॉग नहीं बना। अब मैं जा रहा हूँ ज़रा किस कोई काम है मुझे, वहाँ से फारिग होकर आता हूँ। जिस काम के लिए गया था वो तो काम पूरा हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा। तो अभी मैं आया हूँ घर, अब लैपटॉप लेकर बैठूँगा, कुछ लैपटॉप में मुझे काम है लैपटॉप का। ये मुस्कुराते हुए चेहरे आप लोग क्यों देख रहे हैं, कोई वजह? वजह तो है एक, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, वो आप लोगों को व्लॉग में, तकरीबन आज क्या है मंडे ना, नहीं 3 या 4 दिन बाद पता चल जाएगा कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों था और
व्लॉग में कुछ नया क्या आया है। काफ़ी अच्छा व्लॉग मिलने वाला है। मैं अभी इसलिए नहीं बता सकता व्लॉग में क्योंकि मेरी सिस्टर भी देख रही है और उनको नहीं बताना है, सरप्राइज़ देना है। वो शायद आप लोगों को कुछ चीज़ें एक दो दिन में पता चल जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और अभी ठंड भी अच्छी हो रही है आउट ऑफ कराची, तो आप लोग बस समझ जाएँ कि कहाँ जा रहा हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि पापा के साथ आज मीटिंग चल रही थी ना, इस वजह से आज हो गया लेट। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक दें आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।